हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास का मनोवैज्ञानिक निर्धारक के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, बल्कि शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। जो एम्स ऑफ एजुकेशन का हम लोग निर्धारण करते हैं, उसे बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे कैसे उसे खुशी से एक्सेप्ट कर पाए, उसे किस तरह से ट्रांजेक्ट करना, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी। कैसे बच्चे सीखते हैं, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, बच्चे चिड़चिड़ाएंगे, परेशान होंगे और उसे खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए इसी के तहत ये साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साइकोलॉजी इज़ द यूनिफाइंग एलिमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डेवी, अ रिनाउंस्ड एजुकेशनिस्ट, एक्नॉलेजेस दैट साइकोलॉजी इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इंडिविजुअल लर्न्स individual learner interacts with the objects and persons in the environment. Psychology बताती है कि किस तरह से बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ तथा वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सहभागिता निभाते हैं। The quality of this interaction determines the amount and the type of learning. और ये इंटरेक्शन के ही बेसिस पर, या अपनी सहभागिता कितनी खुशी से और किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, ये बताता है कि बच्चे कितना सीखें और किस तरह से सीखते हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस एंड करिकुलम हैज़ बीन एनालाइज्ड बाय द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो साइकोलॉजी और करिकुलम का क्या रिलेशनशिप है, इसको कुछ क्वेश्चंस के द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है कि क्यों इसे एक निर्धारक के तौर पर करिकुलम में लिया जाए। डज द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस द करिकुलम? क्या बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास करिकुलम को प्रभावित करता है? डज द एज एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इफेक्ट द करिकुलम? यहाँ एज और मेंटल डेवलपमेंट का मतलब हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि बच्चों की वृद्धि और विकास करिकुलम को इफेक्ट करती है, क्योंकि साइकोलॉजी इन्हीं सारी चीज़ों को बताता है। डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस द करिकुलम? डू द नीड्स ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस द करिकुलम? क्या बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है? बहुत बच्चे अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल एरिया से आते हैं, घर का भी इन्वायरमेंट और उनके पीयर ग्रुप का इन्वायरमेंट, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो चलते रहते हैं। तो क्या ये सारी प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को? और देन डू द नीड्स ऑफ द लर्नर इन्फ्लुएंस द करिकुलम? बच्चों की आवश्यकताएँ, उनमें क्रिएटिविटी, आज के दौर में उसे अच्छे तरह से एडजस्ट करने के लिए उनमें क्रिएटिविटी, उनमें पॉजिटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, आर्ट, थिंकिंग का एक नया नज़रिया, हर एक चीज़ों को अच्छे तरह से पॉजिटिव तरीके से लेना कंसेप्ट के बारे में, ये बहुत सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या इन सारी आवश्यकताओं को करिकुलम फुलफिल करता है? जब हम ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी बताती है, तो हम देखते हैं कि इसका एक ही आंसर मिलता है, विच इज़ येस। इन ब्रीफ, साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद अ बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू पीपल लर्न? कि हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान इस चीज़ पर आधारित है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लोग कैसे सीखते हैं। वी आर नाउ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ लर्नर्स बिहेवियरल चेंज is just one indication of how psychology is influencing educational thought and practice. मनोविज्ञान किस तरह से
एजुकेशनल थॉट और उसके प्रैक्टिकम को प्रभावित करता है, उसके प्रैक्टिस को। कि क्या एजुकेशनल थॉट का मतलब हुआ यहाँ उसके एजुकेशनल उद्देश्य लक्ष्य और उसको प्रैक्टिकल तक में लाने के बीच एजुकेशन साइकोलॉजी किस तरह से प्रभावित करता है, इसे हम इस ऐसे जान सकते हैं कि हम जितने भी आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान जो आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, वो सारे आपके बिहेवियरल टर्म में होते हैं। जैसे कि बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति पैदा करना, उसमें एटीट्यूड पैदा करना उस विज्ञान के प्रति, या आपके जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि अभिरुचि उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें क्या है उनके बिहेवियरल टर्म में। रुचि उत्पन्न होगी तो अच्छे से वो सीखेंगे। तो ये प्रूफ होता है, इसे समझ में आता है कि एजुकेशनल थॉट और प्रैक्टिस को भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल, सो इट हैज़ बीन प्रूव दैट फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ लर्नर्स बिहेवियर बिहेवियरल चेंजेस इज जस्ट वन इंडिकेशन ऑफ हाउ साइकोलॉजी इज इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन वेरियस थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी सच एज द लॉज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिक एंड मेंटल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन ये जो दो पॉइंट है ऊपर के, ये दोनों शो करते हैं, स्ट्रॉन्गली प्रूफ करते हैं कि हाँ, साइकोलॉजी को एक डिटर्मिनेंट के रूप में लिया जाए, करिकुलम डिटर्मिनेंट के रूप में लिया जाए। पहला कि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम बिहेवियरल टर्म में लिखते हैं, और ये बिहेवियर साइकोलॉजी इज नथिंग बट द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये साइकोलॉजी को बोला जा सकता है कि ये व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। सो इस टर्म में ये प्रूफ होता है। नाउ द सेकेंड कि करिकुलम कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशंस और कंटेंट का फॉर्मेशन और उसका ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कंटेंट होना चाहिए और किस तरह से उसे होना चाहिए, ये सभी भी ये सारी चीज़ें भी साइकोलॉजी के थ्योरी पर ही आधारित हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज का इधर नाम दिया गया है। नाउ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट दैट इट शुड साइकोलॉजिकली साउंड, दैट इज करिकुलम डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, इट इज़ ग्रेडेड एंड सिक्वेंस्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक अलाउंस फॉर दिस फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स, फोस्टर सेंस ऑफ इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द इंडिविजुअल्स। तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, इस करिकुलम के डेवलपमेंट को इस तरह से करना चाहिए कि जो बच्चों के इंटरेस्ट, उसके अभिरुचि और उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल करें, उसके वृद्धि तथा उसके विकास के आधार पर ही उनकी वर्गों या कक्षाओं का डिवीज़न करना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न है, व्यक्तिगत डिफरेंसेस भिन्नता पाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो इसके कारण करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, तो कि जिससे कि वो उसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और हमारा ये करिकुलम डेवलपमेंट के जो डिफरेंट निर्धारक या डिटरमिनेंट कहेंगे वो कंप्लीट हो गया। तो एक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इसके अंदर में पढ़ा कि क्या करिकुलम डेवलपमेंट होता है, करिकुलम डिटर्मिनेंट में कौन कौन से मुख्य डिटर्मिनेंट, कौन कौन से मुख्य निर्धारक हैं, जिसमें एक फिलोसफिकल है, दूसरा साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल है। सोशियोलॉजिकल के अंदर में हमने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल चेंज, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशल सोशल प्रॉब्लम। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का मतलब संस्कृति का स्थानांतरण। सोशल प्रॉब्लम एक छूट गया था, विच वॉज पॉलिटिकल फैक्टर। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट के अंदर में आता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार चेंज होती है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स है
सॉरी बहुत सारे इस तरह के पॉलिसीज़ है जो एक सरकार से दूसरे सरकार चेंज होने पर वो या तो कुछ पॉलिसीज़ और आती है या हटा दी जाती है। तो करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान इन सारी चीज़ों को, पॉलिटिकल फैक्टर को भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक था हमारा जो आज हमने पढ़ा, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चंस, सवाल है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, एक्सप्लेन देम। व्हाट आर, और या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन देम। कुछ प्रीवियस ईयर्स के या उसके बैक के कुछ क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे उसके आधार पर मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए थे आपके सीनियर्स के। एक क्वेश्चन है, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। इट इज़ गिवन बाय हु, किसके द्वारा दिया गया था यह डेफिनेशन करिकुलम का? तो इसका आंसर होगा फ्रोबेल। एक आया था कि वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम इज़ करिकुलम का, देखिए हमने स्टार्ट किया था करिकुलम तो डायरेक्ट वाइडर मीनिंग से ही किया था। नैरो मीनिंग में करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस। तो इसका, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कंफ्यूजिंग था। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसका आंसर नहीं पता है तो चांसेस है कि आप गलत भी पॉइंट करके आ सकते हैं। इसमें आंसर में था इसका, ऐसे इसका सही आंसर होगा रेस कोर्स। इसके अलावा, रेस कोर्स के अलावा आंसर में था सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी और एक कुछ था जो मुझे याद नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स ना हो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम इज़ रेस कोर्स। एक और क्वेश्चन था जिसको एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है किस तरह से था, मगर थोड़ा बहुत उसके बेसिस पर मैं बोल सकती हूँ कि था कि इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ करिकुलम, हाउ मेनी इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और पाठ्यक्रम विकास के मुख्य निर्धारक कितने हैं, शायद यही था। तो उसमें 1, 2, 3, 4, बेसिकली देखो पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक बोलो या फिर डिटर्मिनेंट बोलो, बेसिस बोलो, जो भी बोलो, बेसिकली 3 ही है। आप अलग अलग बुक में देखोगे बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगा, कहीं आप नेट में देखोगे तो भी आपको बहुत जगह से मिलेगा, मगर सबको निचोड़ करके अगर देखा जाए तो देर आर ओनली 3 बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसको ज़रूर याद रखना, दीज 3 वी हैड डिस्कस जस्ट नाउ, हम लोगों ने इसके बारे में जाना। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ जॉयफुल डे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ मिलेंगे।